तो भैया टिकटॉक पर वायरल कैसे होते हैं, व्यूज़ कैसे अच्छे लाए जाए, लाइक्स कैसे अच्छे आएँ, अपनी वीडियोस को रैंकिंग में कैसे करवाएं, टॉपिक कौन सा देखें, इन सब बातों को सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं भैया। तुम लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए हैं तो भाई रात में मैंने बैठ के तुम सबकी आईडीज चेक करी और भैया चेक करने के बाद समझ में आता है कि टैलेंट तो आपके अंदर कूट कूट कर भरा है लेकिन गलतियाँ भी आपने सबसे ज़्यादा करी हैं भाई। आज से 6 साल पहले मैंने स्कूल में फर्रे लिखना शुरू करा था और आज भी मुझे फर्रे लिखने की नौबत पड़ी गई आपकी वजह से। रात बैठ के फर्रे लिखे हैं जी मैंने ये कि टिकटॉक पर आपने वीडियो में गलती क्या क्या करी है और आपको आज इस बात को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सुनोगे तभी कुछ अच्छा कर पाओगे। तो मैं ये भी बताऊंगा कि अच्छा कैसे कर सकते हो आप। भाई फर्रा तो बन चुका है, अब देखो अगर आपको सुनना है तो सुनो ना तो भैया जय श्री राम। वैसे टॉपिक ये भी अच्छा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, इस पर भी वीडियो बना सकते हो आप। पहला तो यही हो गया। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। देखो आप क्या करते हो, अपनी वीडियो को ना डिलीट कर देते हो। क्यों करते हो ये भी बता देता हूँ। मान लो आपने वीडियो जैसे कि कल अपलोड करी, अपलोड करने के बाद आपकी वीडियो उस पर सिर्फ 5-6 व्यूज़ आए या फिर 5-6 लाइक आ गए और व्यूज़ आपके 100 से पार हो गए। अब आपके दिल में एक खड़क सी पैदा हो जाती है जो कि आने वाले ये दर्शाती है कि आप कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाओ, क्योंकि व्यूज इतने कम आते हैं और आपका कंटेंट ज़बरदस्त होता है। अगर आपको ऐसा भरम होता है तो भाई देखो भरम अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। अगर आपने दूसरी वीडियो बना लोगे तो क्या जाएगा आपका, दूसरी बना लो लेकिन उसको डिलीट नहीं करनी है। आपने जैसे ही उस वीडियो को डिलीट कर देते हो तो भाई क्या होता है, टिकटॉक की जो आईडी आपकी है उस पर इम्प्रेशन ख़राब पड़ता है। अब अगर इम्प्रेशन ख़राब पड़ेगा तो जो आपकी वीडियो जरा सी भी उठी थी वो लोगों तक कहीं ना कहीं रिकमेंड हुई थी, अब वो रिकमेंड होना ही बंद हो जाएगी क्योंकि आपने वो वीडियो डिलीट मार दी। जब वीडियो ही डिलीट मार दी तो टिकटॉक कहता मैं इसको क्यों उठाऊँ। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। चलो दूसरे टॉपिक पर आते हैं जी। दूसरे टॉपिक पर क्या है कि आपने जो भी वीडियो बनाई, मान लो टैलेंट भी अच्छा था, आपकी बार वीडियो भी अच्छी बनी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर लिपसिंग आपकी ख़राब होती है। अब जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, ये लिपसिंग प्रॉपर मैच कर रही है। तो ऐसे ही आपकी वीडियो में लिपसिंग अच्छी होनी चाहिए, आप कुछ भी कंटेंट उस पर बना लो अगर आपके अंदर हिम्मत दम सब कुछ है तो, मतलब ठीक है बना ही लेते हो आप। तो चलो जी तीसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, वो है आपका फ्रेम। भाई देखो फ्रेम जैसा मेरा फ्रेम है तो मेरे पास ये जो लाइट देख रहे हो आप, ये थोबड़े पे जो आ रही है ये लाइट एकदम सन की आ रही है, मतलब सन बोले तो सूरज वाली, वही आसमान वाली। तो ऐसी जगह पे आपने अपनी वीडियो बनानी जहाँ पे आपका जो फेस है वो एकदम क्लियर चमके और कतई सुंदर सा, ऐसा ना हो कि तुम फेयर एंड लवली लगा रहे हो और इन सब चीज़ों से हट रहे हो। ये सबसे दूर रहना भाई और आराम से अपना फेस ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे आपको लाइट मिल जाए। तो कहने का मतलब आप यहाँ पे भी समझ रहे होगे भैया। अब अच्छा आ जाते हैं चौथी गलती पे। देखो जी अगर आप भी मेरी तरह गरीब हो तो इतना तो आपने भी करना पड़ेगा कि एक छोटा सा ट्राइपॉड ले लो। क्यों? क्योंकि भाई आपने ट्राइपॉड मिलेगा सिर्फ 300 रुपये का, लेकिन अगर वो 300 रुपये आपने एक बार खर्च कर दिए, जहन्नुम में डाल दिए, नरक में डाल दिए, तो समझ लो आपकी ज़िंदगी भी बन सकती है उस 300 रुपये। उससे होगा क्या, देखो जी आपने अपना जैसा मेरा देख रहे हो ये हिलडुल मैं रहा हूँ, लेकिन मेरा फ्रेम जो है वो पूरा का पूरा प्रॉपर है क्योंकि मैंने अपना फ़ोन जो है वो ट्राईपोड पर रख रखा है। अब ये ट्राईपोड पर अगर रखा हुआ है तो एकदम स्टेबल रखा हुआ है, आपको देखने में भी वीडियो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। तो यही सारी चीज़ है, जब वीडियो आप अच्छी बनाते हो टिकटॉक के लिए तो उसमें भी यही चीज़ माइनॉरिटी वाली जो होती है वो इमेज करी जाती हैं और उन पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो एज अ व्यूअर देख लो चाहे वो एज अ टिकटॉकर को देख लो, वो सब आपकी इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। अगर आपकी ये क्वालिटी में दम हो जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ भाई इसकी क्वालिटी में दम है, अब इसको सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत है। तो टैलेंट भी कहीं कहीं बार आप अच्छा कर देते हो तो उस वजह से आपकी वीडियो रैंक करने लग जाती है, और कोई वजह नहीं है टिकटॉक पे वायरल होने की, यही वजह है जो मैंने आपको बताई। अच्छा जी ये होती है आपकी पांचवी गलती नंबर, इसको मैं फेंक देता हूँ जी। देखो पांचवी गलती आप क्या करते हो, आपने आज वीडियो बनाई, 4-5 वीडियो इकट्ठी बना के आपने आज पोस्ट कर दी। अब कल आपके पास ऐसा टाइम नहीं है जी, आपने वीडियो बनाई नहीं कल, तो ये आपकी पांचवी गलती है। आपने कंटिन्यूस वीडियोस को डालना है और समझाना, ऐसा नहीं अपने आप को समझाओ जी कि मुझे हर रोज़ वीडियो अपलोड करनी है, जैसे डॉक्टर बताता थी एक गोली सुबह एक दोपहर और एक शाम, इसी तरह से डॉक्टर वाला आजमाओ जी आप, एक वीडियो सुबह एक वीडियो दोपहर और एक वीडियो शाम को, ये इन चीज़ों का ध्यान रखो जी। ये जैसे ही आप अच्छे से समझ जाओगे कि वीडियो कंटिन्यू जिस दिन मैं बनाने लग जाऊँगा, तो मैं इस बात को कहाँ गया
चलो यही बता, तो मैं इस बात को लिख के बता सकता हूँ आपको कि भैया वीडियो आपकी 100% वायरल होगी, और वायरल छोड़ो, वायरल तो दूर की बात है, आपकी वीडियोस पर व्यूज अच्छे अच्छे आएंगे, आपकी वीडियोस पर लाइक्स अच्छे अच्छे आएंगे, और इम्प्रेशन जो कुल मिलाकर आपकी टिकटॉक आईडी का है वो अच्छा इंक्रीज कर जाएगा। ये तो आपने देखना है जी, और इस बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको चलना है। तो बताओ भैया वीडियो कैसी लगी, और अगर फिर भी कोई दिक्कत तुम्हें लगती है तो भैया मुझे एक दोबारा से कमेंट कर देना, और अगर आप चाहते होगा मैं आपकी आईडियो को रिव्यू करूं, भाई अगर आपकी आईडी को जाके देखूं तो भैया हर बार की तरह मैं यही कहता हूं जब भी टिकटॉक वाली वीडियो आती है कि भैया अपनी आईडी जो है वो मेंशन कर देना उसमें, तो आईडी अपनी मेंशन कर देना, भैया देख लेगा तुम्हारा जैसा भी है, फिर तुम्हें बताएगा जी क्या दिक्कत तुम लोग भी कर रहे हो। चलो जी वीडियो आज के लिए बस इतनी ही, अगर पसंद आ रही हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। भैया लाइक करने के बाद क्या करना आपने पता ही है, यहाँ एक लाल वो जो होता है ना डब्बा, उसे टच करके देख लो क्या होगा उसके अंदर, और साइड में उसके निकल जाएगा घंटा, तो उसे भी टच कर लेना। तो भैया ये तो इसका रूल है जी, दस्तूर है इसका यूट्यूब का। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, चलते।